टीम इंडिया के स्टार पेस बॉलर उमेश यादव को भारतीय रिजर्व बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का पद दिया गया है। आपको बता दें कि 10 साल पहले क्रिकेटर बनने के पूर्व उमेश यादव पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए एग्जाम देते थे। हालांकि वे अकेले प्लेयर नहीं हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली हो। आज NMF न्यूज आपको बता रहा है ऐसे ही इंडियन प्लेयर्स के बारे में जिन्हें दी गई गवर्नमेंट जॉब और जिन्हें सम्मान के तौर पर मिला अहम पद। उमेश यादव मई में चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ समय पहले उमेश यादव से मिलने RBI के ऑफिशियल्स पहुंचे थे। वहीं अब श्रीलंका टूर में जाने से पहले उनसे इस पद के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी करा ली गई है। सूत्रों के मुताबिक उमेश को स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत ये पद पहले ही दिया जाना था, पर उनकी व्यस्तता की वजह से इसमें देरी हुई। जोगिंदर शर्मा भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने में किए गए जोगिंदर शर्मा के योगदान को भला कौन बुला सकता है। ये जोगिंदर शर्मा ही थे जिन्होंने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी ली और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। जोगिंदर शर्मा भी अब हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर तैनात हैं। महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। धोनी ने एक बार ये बात बताई भी थी कि वो बचपन से आर्मी में जाना चाहते थे। क्रिकेट में धोनी के योगदान को देखते हुए ही धोनी की एक ख्वाहिश पूरी की गई थी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी सरकारी पद पर तैनात हैं। जी हां, सचिन इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं। हरभजन सिंह टीम इंडिया के टर्मिनेटर हरभजन सिंह अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हरभजन सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलते बल्कि पंजाब पुलिस में DSP के पद पे भी तैनात हैं। कपिल देव टीम इंडिया के पहले वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव भी एक सरकारी पद पर तैनात हैं। जी हां, कपिल देव भी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।